नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे CUET PG की आंसर की है वो NTA ने डिक्लेयर कर दी है, तो उसके लिए आप उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चैलेंज आंसर की या व्यू स्कोर कार्ड डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर की रॉन्ग है, आपके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, तो उन्हें नोटिस डाला है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजन आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2022 रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको अभी दिखा रखा है कि कब तक आप अपनी रिस्पॉन्स की को देख सकते हो और कब तक आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो, यानी कि जिस आंसर को आपको लगता है कि इसका आंसर है वो NTA ने या CUET ने गलत दिया है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आंसर की कब तक चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज कैसे करना है, और अपना स्कोर कार्ड आपने चेक करा कि नहीं करा, तो अपना स्कोर कार्ड चेक करके आप क्या कर सकते हो, अपने टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponentialmathematics2531 करके सर्च करते हो, @exponentialmathematics2531, तो वहाँ पे एक पोल चल रहा है, उस पोल में आप अपना स्कोर बता देंगे तो अपन कट ऑफ का एक आईडिया लगा सकते हैं कि किस स्टूडेंट के कितने क्या नंबर आ रहे हैं। और वो जो चैलेंज करने की डेट है वो भी बता रखी है, तो भी अपन देखेंगे चैलेंज कैसे करना है और कब तक कर सकते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, तो चैलेंज करते समय ये दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि आपको कोई क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन है उस पर अगर एक स्टूडेंट ने भी क्लेम कर दिया, अगर वो क्वेश्चन जैसे स्टूडेंट ने क्लेम करा उसके आंसर को अगर NTA मान लेती है तो वो सबके लिए वैलिड रहेगा। तो आप क्लेम करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि कोई ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन तो क्लेम करने से रह जाए और कुछ क्वेश्चन पे ऐसा हो कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन नंबर इस पे सभी लोगों ने क्लेम कर दिया और क्वेश्चन नंबर दो गलत था, उस पर किसी ने नहीं करा, तो दो तीन जने मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के वो ₹200 लग रहे हैं। और ध्यान रखना कि ये फीस नॉन रिफंडेबल, अगर आपने क्लेम कराया अगर वो आंसर अप्रूव हो गया तब भी ₹200 लगेंगे, अगर आपने जो क्लेम करा वो अप्रूव नहीं हुआ तब भी आपको ₹200 लगेंगे, तो ये रिफंडेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने नोटिस में साफ साफ लिखा है कि द यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम 1 सितंबर टू 12 सितंबर और सेम बाई पे फीस ₹200 to 100 पर क्वेश्चन चैलेंज एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस, द डिटेल्स फॉर आंसर की चैलेंज आर गिवन बिलो। आप आंसर है वो 16 सितंबर से लेके 18 सितंबर 9 बजे तक अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, और पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 18 सितंबर को 11:50 PM है। तो यानी कि 16 से लेके 18 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज करने के लिए आपको 9 बजे तक का टाइम मिलेगा और पेमेंट करने के लिए आपको 11:50 तक का टाइम है। तो यानी कि आपके पास 2 दिन का टाइम है। मैं पहले ही बता कि ये डिस्प्ले और आंसर की कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेगी, तो आप अभी अपनी चेक कर लें। इसके बाद आपने उन्होंने साफ साफ नोटिस में लिखा है कि 18 सितंबर 11:15 नो चैलेंज विल बी एंटरटेन्ड विदाउट रिसिप्ट ऑफ प्रोसेसिंग फीस, द चैलेंज विल एक्सेप्टेड ओनली थ्रू वेबसाइट और नो चैलेंज विल एक्सेप्टेड आफ्टर 18 सितंबर। इसके बाद कोई भी चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप ही कॉल भी कर सकते हो, और यहाँ पे उन्होंने अपनी मेल आईडी डाली CUETPG@NTA.ac.in पे भी चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इन्होंने साफ साफ लिखा कि चैलेंज करना कैसे, तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा, उसके बाद यार लॉगिन विद एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड और लॉगिन विद एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर सिक्योरिटी पिन डिस्प्ले क्लिक लॉगिन बटन कर देना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि व्यू चैलेंज आंसर की बटन, यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा क्योंकि उसके ऊपर जैसे आपका कोड होगा, जैसे मान लो PGQP27 है, P27 दिखेगा और नीचे यहाँ पे आएगा व्यू चैलेंज आंसर की, इस बटन पे क्लिक करना है। ऑप्शन नेक्स्ट टू द क्वेश्चन आईडी अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन एस स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू यूज बाय NTA। क्या होगा कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी दिखेगी, उसके बाद जो भी करेक्ट आईडी होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आईडी है, यहाँ पे करेक्ट आईडी दिखेगा। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज वन और मोर ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द नेक्स्ट 5 कॉलम बाई क्लिक ऑफ द चेकबॉक्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी दिखेगी, यहाँ पे NTA का करेक्ट ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, उन 5 ऑप्शन में क्या होगा, एक फॉर ए के लिए, एक बी के लिए, एक सी के लिए, एक डी के लिए, और आपको लगता है कि NTA ने जो ABCD दिए इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो आप नन ऑफ दीज को भी चूज कर सकते हैं, ये चूज कर लेना। इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ अगर सॉल्यूशन साथ में आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद इन्होंने साफ साफ लिखा है, इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज वन एनी और मोर ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द नेक्स्ट 5 कॉलम बाय क्लिकिंग द चेकबॉक्स। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा व्यू चैलेंज वाले पे करने पे, यहाँ पे आपको करेक्ट का दिखेगा, इसके आगे 5 ऑप्शन दिखेंगे। आपको लगता है कि जो भी आंसर दे रखे हैं उन्होंने वो गलत दे रखे हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं, तो उस पर आप चेकबुक क्लिक कर, आपको लगता है कि पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा, जो जो लगता है सही है, ये लगता है कोई भी सही नहीं है, तो आप नन ऑफ दिस वाले को चेकबॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। और इफ यू मे वॉन्ट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन विच यू कैन सिलेक्ट चूज फाइल एंड अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट टू बी पुट इन अ सिंगल। अगर मान लो आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ये, तो आप वहां पे पुट कर सकते हैं। अगर आपको किसी वेबसाइट पे कहीं पर सॉल्यूशन मिलता है तो आप वो भी पुट कर सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग ऑन डिजायर्ड ऑप्शन आईडी चैलेंज स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड रिव्यू, आप सबमिट कर दें, सबमिट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से आपने सबमिट किए थे, वो सारे एक साथ आपको दिखाई दे देंगे। और उसके बाद भी आप एक बार और मॉडिफाई कर सकते हैं, इफ यू
यू विल सी डिस्प्ले ऑफ ऑल द क्वेश्चन आईडी, जो जो आपने क्वेश्चन आईडी चूज करे वो, और जो जो आपने ऑप्शन चेंज करे वो आपको सारे मिल जाएंगे। यू मे स्टिल मॉडिफाई योर सेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन मॉडिफाई क्लेम। वंस यू हैव सिलेक्टेड एन ऑप्शन फॉर चैलेंज, यू कैन क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फीस। इसके बाद आपके पास सेव क्लेम एंड पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा, और सेव क्लेम पे फीस क्लेम और नो मॉडिफिकेशन विल अलाउ आफ्टर पेमेंट। अगर पेमेंट करने के बाद आप उसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है तो ऐसा नहीं कि बार बार आ रहे हैं, बार बार पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, उसके बाद उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने ए बी चूज कर लिया तो वही रहेगा, उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। और सिलेक्ट और पेमेंट फीस बार बार साफ साफ लिखा है, पे ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस 200 फॉर ईच क्वेश्चन, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस रिफंड नहीं होगी। तो दो तीन लोग ग्रुप में डिस्कस कर लें, आपको ऐसा लगता है कि ये पांच क्वेश्चन है जिनमें प्रॉब्लम है, तो वो पांच अगर आप आपस में ग्रुप में डिस्कस करेंगे तो दो तीन ही बचेंगे। उसके बाद आपको लगता है कि सबका ही डाउट है इस क्वेश्चन में, तो वो आप मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगा उसको। कोशिश होगी कि मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ, और बाकी सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप अभी टाइम लगेगा। तो आपको जिन दिन में डाउट है, क्योंकि आपको पता है कि जो जो स्टूडेंट करके हैं, किसी का कोई डाउट खुद से क्लियर हो जाएगा, किसी का कैसे भी क्लियर हो जाएगा, तो सारे लोग डिस्कस कर लेना। उसके बाद कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, तो अपन वो भी देख लेंगे। पर ऐसा जरूर ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है, आपको लगता है क्वेश्चन फर्स्ट रॉन्ग है और क्वेश्चन थर्ड रॉन्ग है, तो कोई इस पे तो क्लेम सब लोग ही कर दें, इस पे नहीं करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एक भी क्लेम करते हो और वो अप्रूव हो जाता है तो सबको उसका फायदा मिलेगा। अगर आपने कोई किसी ने भी किसी क्वेश्चन पे क्लेम नहीं करा तो उसको किसी को कुछ नहीं मिलेगा, जो आंसर की एंटी ने दी है वही मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखें, 16 से 18 तक का ही टाइम है, तो ये भी ध्यान रखें 11:50 तक का है। तो जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप बता सकते हैं। सो आई होप कैसे क्लेम करना है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप लॉगिन करके क्लेम करते टाइम जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि ये अभी जल्दी से जल्दी करें, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम के बाद इन्होंने साफ साफ लिखा है, इस टाइम के बाद कोई भी वो इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि आपने किया या नहीं किया। तो जिस भी क्वेश्चन पे डाउट हो आप डिस्कस कर ले अपने साथियों के साथ ग्रुप में, और ग्रुप के लिए मैंने आपको बता दिया कि @ exponential mathematics 2531 पे आप देख सकते हैं। सो थैंक यू।